अक्टूबर 2017 में गठित पलायन आयोग ने सोमवार को अपनी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट पेश की। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा जिले में पलायन को लेकर बनाई गई नई आयोग की रिपोर्ट को रिलीज किया। आयोग के उपाध्यक्ष MS नेगी को अब तक के कामकाज को CM के सामने रखा गया। बताया गया है कि अगले एक साल अब पिथौरागढ़ और टिहरी जिले पर आयोग का फोकस रहेगा। अल्मोड़ा जिले पर रिलीज की गई पलायन आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में पलायन जारी है। जिले के 11 विकास खंडों में से 7 ब्लॉकों में अब भी पलायन लगातार जारी है। वहीं 80 गांव ऐसे हैं जहां 2011 की जनगणना के बाद 50% पलायन हुआ है। पलायन आयोग की द्वितीय बैठक थी जिसमें माननीय CM साहब अध्यक्ष हैं और उसमें पिछले एक साल में जो पलायन आयोग ने काम किया उसकी समीक्षा की गई और अगले एक वर्ष में क्या करना है उसके लिए उसकी रूपरेखा तैयार की गई। उसके तहत हम टिहरी और पिथौरागढ़ जिले में काम करेंगे और ग्रामीण विकास और कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा करेंगे। और CM साहब ने यह भी कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी आप संकलन करिए, उनके चाहे डॉक्यूमेंट्री बनाइए, चाहे उनके एक छोटी सी उन पर कोई किताब बनाइए और उनका जो है अक्टूबर नवंबर में कोई एक सम्मेलन करके और जिससे कि लोग सीखे। पलायन का दंश लगातार जारी है। पलायन आयोग की दूसरी बैठक में दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। पौड़ी की तरह ही अल्मोड़ा में भी पलायन लगातार जारी है। अल्मोड़ा जिले में 70,000 लोगों ने पलायन किया है। मेकिया सैर, चौखुटिया, सर्ड और सियालदे ब्लॉक में सबसे अधिक पलायन हुआ है। सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य के कारण पलायन कर रहे हैं लोग। 646 पंचायतों में 16,207 लोग स्थायी रूप से घर छोड़ चुके हैं। पलायन करने वालों में सबसे अधिक 42.2% युवा हैं। तो पलायन रोकने के लिए जरूरी कदम क्या हो सकते हैं? रूरल इकोनॉमी में सुधार करने पर पलायन रुक सकता है। इसके साथ ही कृषि और गैर कृषि आय पर फोकस किया जा सकता है। बेहतर विलेज प्लानिंग की भी जरूरत है। फंडामेंटल फैसिलिटी मुहैया कराना, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस, सरकारी योजनाओं का गांव में बढ़ावा, महिला केंद्रित योजनाओं को बढ़ावा, रूरल डेवलपमेंट पर फोकस, ये तमाम प्रयास अगर किए जाएं तो पलायन रुक सकता है। पलायन आयोग की अब तक 4 रिपोर्ट पेश कर चुका है। 17 जून 2017 को अल्मोड़ा जिले की आर्थिक और सामाजिक सदृढ़ीकरण की रिपोर्ट पेश की थी। दिसंबर 2018 में पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक विकास की रिपोर्ट पेश की गई थी। सितंबर 2018 में नेचर बेस्ड टूरिज्म यानी इको टूरिज्म का विश्लेषण और सिफारिश संबंधी रिपोर्ट पेश की गई थी। मई 2018 पंचायतों में पलायन के तमाम पहलुओं पर अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है। 4 बार रिपोर्ट पेश कर चुका है पलायन आयोग।